ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल निकल सेलिन। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एक फ्री पोर्टल के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और इस पोर्टल को आप लोगों को कैसे यूज करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या, गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है esfeindia.in। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा इसके बारे में भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो सिंपल मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल करके वेरीफाई कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे शॉप का नाम देखने को मिल जाएंगे, साई टूर एंड ट्रेवल्स। इसके बाद आप पोर्टल में जितने भी बैलेंस होंगे बैलेंस आपको शो कर देगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र, इस पोर्टल से आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बाद रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज पर हम क्लिक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, अमाउंट, इसके बाद ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको कंपनी सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू टू रिचार्ज पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हैं इस पोर्टल से। इसके बाद यहाँ पे DTH रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि मान लो कि आपके वॉलेट में 247 रुपया है और किसी अदर esfeindia के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से ही वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद लोन्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी पे कर सकते हैं। इसके बाद बिल पेमेंट भी कर सकते हैं इस पोर्टल से। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पे क्रेडिट कार्ड बिल, आप लोग यहाँ से क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं। इसके बाद लोड पेटीएम वॉलेट, इस पोर्टल्स में एक बहुत बड़ी खासियत है, आप लोग इस पोर्टल से डायरेक्ट आप पेटीएम वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद पे LIC प्रीमियम, इसके बाद आप LIC का बिल भी पे कर सकते हैं। इसके बाद बुक ट्रेवल टिकट, यहाँ से आप लोग फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो इस पोर्टल में काफ़ी सारे ऐसे सर्विस है जो कि फ्री प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद देख सकते हैं बिजनेस समरी, ट्रांजेक्शन, रिफंड पेंडिंग, मनी ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, चार्ज एंड रूल सेटिंग, इसके बाद लॉग आउट, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कितने परसेंट की कितने कमीशन आपको क्या चीज़ में मिलता है। इसके बाद यहाँ पे रिफंड पेंडिंग हो गया, ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र का, रिचार्ज का। तो इस ये पोर्टल काफ़ी हमें बेहतरीन देखने को लगा है। यदि आप लोगों को ये पोर्टल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग बता सकता हूँ कि ये पोर्टल आप लोग कैसे फ्री में ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।